हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। स्टूडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, स्पेशली वो लोग जो कि रिलेशनशिप में है और अनमैरिड है, यानी कि आप अनमैरिड हो और आप रिलेशनशिप में हो, आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपके कोई गर्लफ्रेंड है और आप बिना शादी के रिलेशनशिप में रह रहे हो, जिसको लिव इन रिलेशनशिप भी बोल दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पे आपके पास लीगल राइट है कि इन केस दोनों में से कोई भी पार्टी जो वीकर है, वो पार्टी जो स्ट्रॉन्गर है फाइनेंशियली, उससे वो अपना मेंटेनेंस, अपना खर्चा क्लेम कर सकता है। वैसे तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अगर सेक्शन 2F को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ऐसा कोई भी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई भी है जो एक साथ रहा हो किसी एक घर में कुछ टाइम के लिए, उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप की वहाँ पर डेफिनेशन दी गई, जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स उसमें आते हैं, और उनको अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, दूसरी यहाँ पे जो पार्टी है, जो दूसरा पार्टनर है, अगर उनको छोड़ता है तो वो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, दूसरा पार्टनर जो कि वीकर है फाइनेंशियली, वो उस पार्टी से यहाँ पे अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। जैसे कि नॉर्मली मेंटेनेंस में एलिमनी वर्ड का यूज होता है, यहाँ पे पैलीमनी वर्ड का यूज किया जाता है। जो कि लिव इन रिलेशनशिप में कपल है वो भी यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर लेते हैं। 2010 से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसे जजमेंट्स आ गई हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को जरूरत के हिसाब से उनको पैलीमनी दिलवाई गई, उनको खर्चा यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी जो जजमेंट्स यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करी गई, कुछ कंडीशंस को भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। जैसे कि वो जो कपल है वो हस्बैंड वाइफ के तरह रह रहे हो, उनके बीच में कोहैबिटेशन हुई हो, चाहे वो मतलब बिना मैरिज के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, किसी भी एक जगह के ऊपर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइम एज अ हस्बैंड वाइफ स्पेंड किया हो, और जो सोसाइटी है वहां पे वो एज अ हस्बैंड वाइफ वहां पे विचर रहे हो, निकलते हो बाहर, घर पे कहीं जा रहे हैं साथ में, तो हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन अगर उन्होंने शो किया होगा। और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, जो भी मतलब अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो और जो भी मैरिज की जो चीजें होती हैं, जो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी आप सोशली उसको बिहेव कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, ये सारी चीजें अगर आपने कर रहे हो, देन जो है आप इस मेंटेनेंस के लिए, जिसको पहली मनी वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो कोई भी ऐसा पार्टनर अगर आपकी नजर में है जिसको यहाँ पे, जिसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, जिसको छोड़ दिया गया है और आपको लगता है कि उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, देन उसको आप इस लॉ के बारे में जरूर से गाइड करें। अगर जरूरत पड़ने पे वो किसी भी अपने एरिया के एडवोकेट से जाकर के इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, कोर्ट में केस लगा करके जो भी उनका खर्चा होगा उनके हिसाब से उनको खर्चा जो है पहली मनी यहाँ पे दे दी जाएगी कोर्ट की तरफ, जो कि मंथली भी हो सकता है। और यहाँ पे डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस रहती हैं कि जो पहली मनी आपको तब तक मिलेगी जब तक कि आप अपने खुद के सोर्सेज पे अर्न करना ना स्टार्ट कर दें, या फिर आपकी दूसरी शादी ना हो जाए, या फिर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ अडल्ट्री ना कमिट करो, यानी कि किसी दूसरे पर्सन के साथ आप यहाँ पे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हो। तो एक चीज ये भी है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो दोनों पार्टीज के यहाँ पे अनमैरिड होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी तो अनमैरिड है और उसका जो लिव इन रिलेशनशिप में है, दूसरा जो पार्टी है दूसरी, उसकी पहले मैरिज हो चुकी थी और उसने अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ करके आपके साथ लिव इन में रह रहा है, तो ऐसे में जो पहली मनी है वो आपको नहीं मिलेगी। दोनों का यहाँ पे अनमैरिड होना जरूरी है। और जो कुछ कंडीशंस है, जो कि काफी सारे जजमेंट से कंडीशंस के बारे में बात करी गई है, बट एग्जैक्ट इसका कोई लॉ नहीं है, बट जो भी आपके एडवोकेट होंगे जजमेंट्स का हवाला देते हुए और सेक्शन 2F को, डोमेस्टिक वायलेंस का जो 2F है उसको कंसिडर करते हुए, इजीली आपको यहाँ पहली मनी दिलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंची रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।